हमारी एरिया 51 की एंट्रेंस जिसके बाजू में हमारे वेट है जिनको शायद मैंने साल में दो तीन बार यूज करा होगा अब तो ये बेचारे खुद मेरे को बोलते कि प्लीज साहब एक बार आके हमें उठा लीजिए हमें बहुत धूल लग गई है ये देखो फोर के धूल एक दिन गाइस मैं इनको यूज करूंगा और ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा लेकिन आज वो दिन नहीं है क्यूँकी आज हम अपना सेटअप टूर करने वाले है पर्दे के पीछे हमारे ऑटोमेटिक डोर है जो की सीक्रेट कोड ऐसी खुलते है अगर यहाँ पर कोई अजनबी भी घुस जाता है तो अलार्म बज जाता है और वैसे भी सीक्रेट डोर से मेरे ही वॉइस से खुलता है और देखो ग <laughs> लेकिन ऐसे यूट्यूब में नहीं चलेगा ना तो हम लोग पहले आस का नजारा देखते है और फिर अपने सेटअप की तरफ बढ़ते है एक और बात मेरा सेटअप कभी भी इतना क्लीन नहीं होता कल ही मैं अपने नानी के यहाँ से वापस आया था तो इसलिए साफ करना पड़ा आज वरना मैं सिर्फ दिवाली के दिन ही करता हूँ के तो आ जाओ गाइस हम अपने रूम को देखते हैं और सबसे खतरनाक फीचर मेरे रूम का है वाटरफॉल <laughs> जी हाँ मेरे रूम में एक बार वाटरफॉल हो गया था ऊपर वालों के घर पे पानी भर गया था जिसके वजह से मेरे रूम में लीकेज हो गई थी उस दिन शायद अपनी छत का दरवाजा बंद नहीं करा था जिसकी वजह से उनका पूरा घर डूब गया और जब हम लोगों ने सुबह छह बजे उनको कॉल करा वो मस्त पानी में डूबते हुए सो रहे थे अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन पहले यहाँ पर एक बूढ़ा ट्यूबलाइट हुआ करता था जो की बेचारा शहीद हो गया वन लाइक फॉर दैट ओल्ड ट्यूबलाइट और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है की मेरे बोर्ड बच गया ठीक है इसके ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप मार के पॉलिथीन लगाया था बट कैसे बचा ये है? है ये वाला टेप अभी भी यही लगा हुआ है देखो तो सही फिर तो इसके नीचे वाला टेप भी, अभी भी लगा हुआ हाँ देखो इसको ये भी लगा हुआ है और ये जो ऊपर निशान है मैं क्या बोलूँ न्यूक्स आप लोग को तो पता ही है की मैं अकेले अर्थ में रह रहे मेरे को अपने उड़न तस्त्री की बहुत याद आ रही थी तो एक दिन तुम्हारे भाई ने चाय का सॉसर उड़ा दिया लेकिन उसमें चाय थी और हमारे घर में गेस्ट आए थे जो की चाय पी रहे थे उसमें उसके बाद फिर घर वालों का चप्पल आया मेरे मुँह पे उड़न तस्त्री के तरह nice. well, के पीछे तो 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 होगा उसकी आवाज इतनी तेज है की जब भी मैं उसकी आवाज निकालता हूँ ना ये पीछे वाले अपना सर ठोकते दीवार में अगर वो टपक जाएंगी तो मेरे पे फालतू का केस पड़ जाएगा तो इसीलिए साउंड प्रूफिंग के लिए लगाया है एंड नो किरिंग सच्ची में ऐसा थोड़ी बार हुआ है और आवाज की वजह से वो लोग दीवार पे मुक्का मार रहे थे तो मैंने सोचा कि यार इसको तो फिक्स करना ही पड़ेगा और ये लगा दिया अब अब कोई कम्पलेन नहीं आती इसके वजह से अगर वो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आई और इस तरफ हमारा लेजेंडरी सूट केस है जिसपे यो लो और एस का सिंबल बना हुआ है तो अगर आप लोग को कभी भी सूट केस दिखता है देन यू नो इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड वेरी न्यूक्लियर लेकिन इस लेजेंडरी सूटकेस के पीछे है मेरे रिग्रेट इस बेचारे पे भी धूल पड़ चुकी है देखो मैंने इसको लेने के बाद सोचा था की बिस्कुट बनाएंगे लेकिन अब फैमिली पैक निकल गया और यार इसको मैं यूज नहीं करता सॉरी ब्रो इसके साइड में तो और भी ज्यादा रिग्रेट है आज मेरे को ये वाली वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी योगा मैट जी आई टू यू कोल्सो ओ नो पीछे तो देखो और भी रिग्रेट इस गिटार को मैंने पांच छह साल पहले लिया होगा मेरे एक दोस्त ने मेरा गिटार देख के अपना गिटार खरीदा उसको सीखा और मेरा गिटार अभी भी यही पर पड़ा हो लेकिन अपने ट्राईपोड की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है इसको मैंने फेस कैम वीडियो के लिए लिया था और थोड़ी फेस कैम वीडियो बनाई भी थी आप में से जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उन लोगों ने वाली वीडियो देखी भी होंगी बट अनफोर्चुनेटली मेरे को फेस कैम वीडियो कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि मेरा रूम महान है ये जो सामने आपको मटेरियल दिख रहा है ये है ग्लास जिसके वजह से मेरा रूम गर्मियों में और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और सर्दियों में और भी ज्यादा ठंडा अभी बाहर टेम्परेचर है फोर्टी डिग्री सेल्सियस लेकिन मेरे रूम के अंदर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस है थैंक्स टू दिस अमेजिंग ग्लासेस और मैं जानता हूँ की आप लोग क्या सोच रू की न्यूक्लियर भाई एक ए लगा लो ना और मेरा मन तो है लेकिन हम लोग इस रूम में एसी फिट ही नहीं कर सकते इस तरफ लगाएंगे तो घर के अंदर घुस जाएगा और दूसरी तरफ लगाएंगे तो नेबर के घर के अंदर घुस जाएगा और ग्लासेस वाले साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते और कूलर फिट करने के लिए है और एक दिन बहुत थी मेरे गिर थे। उस टाइम अपना मेन मॉनिटर ये छुटको वाला था लेकिन अभी हमारे पास टीवी जितना बड़ा मॉनिटर है तो इसलिए चिमटिया लगा दी और ये वाली ट्रिक सरप्राइजिंगली काम करती है अभी मैं टू वीक्स के लिए बाहर गया हुआ था और ये मॉनिटर अभी तक गिरा नहीं तो यस कूल cool. और कूल cool से याद आया एक और कूल cool चीज जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कूल cool थी लेकिन अब बिल्कुल फूल है और वो है मेरे पोस्टर आप लोग देख ही हो ये कितनी बुरी तरह मुड़े हुए और प्रॉब्लम ये है की मैंने इनको एक बार भी टच नहीं करा जाके इनका ये हाल है आई थिंक इसका रीजन ये है कि मैंने डबल साइडेड टेप लगाने में थोड़ी गड़बड़ कर दी एज यू कैन सी मेरे को लगा इतने से डबल साइडेड टेप में काम चल जाएगा बट आई वॉज रॉन्ग तो अगर आप लोग कभी भी पोस्टर्स लगाते हो मेरी वाली मिस्टेक मत करना चलो अपने सेटअप टूर में आगे बढ़ते है और आगे की तरफ है अपना टाई और इसके ऊपर पता नहीं क्या है मैं कैमरा ऊपर की तरफ कर देता हूँ जो भी दिख रहा है आप लोग को वही है कचरा ही होगा मोस्ट प्रॉब्लम अरे वाह नीचे और भी ज्यादा रिग्रेट है गाइज उन वेट्स को तो देखो बेचारे सड़ चुके हैं गी गी तो वेट्स के के वेट्स पीछे है हमारा लेजेंडरी पेंट ब्रश रुको इसको अभी बाहर निकालते दम लगा के हाय शाह है भैसा ये देखो गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे पहले मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हुआ करता था और पेंटिंग कर कर के मैंने अपना पहला पीसी खरीदा उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे तो दिन रात पेंटिंग करके मैं अपने लिए एक हाइडेंसी खरीदता था अगर आप लोग को कभी भी अपने घर के अंदर या बाहर पेंटिंग करवानी है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिए और अब फाइनली हम लोग अपने सेटअप की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग को मिलना पड़ेगा अपने रिटायर्ड चेयर से जो कि मेरे को सालों तक सह पाया आप लोग को तो पता ही है न्यूक्लियस में हल्क और से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो नॉर्मल चेयर होती है मैं उनके ऊपर जैसे ही बैठती तो हूँ मेरी स्ट्रेंथ की वजह से वो टूट जाती है लेकिन ये वाला चेयर अभी तक टिका रहा मतलब अभी तक तो नहीं कुछ सालों तक आप लोग देख ही सकते हो की इसकी हालत कितनी बुरी हो गई है तो गाय एक और अकाउंट से इस वीडियो पे लाइक मार दीजिए फॉर आवर रिटायर्ड चेयर लुक एट दैट कितनी बुरी हालत हो गई बेचारी की ओके तो हमारी सारी इमोशनल चीजें खत्म हो गई है अब हम लोग फाइनली अपने सेटअप टूर की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले लाइट ऑन कर देते हैं ताकि आप लोग को हमारी ताजा ताजा धूल दिखे और ये वाला सेटअप मैंने कल ही साफ करा था दिल्ली से है ना पोल्यूशन धूल वूल जो भी चाहिए आपको मुफ्त में मिलता है यहाँ पर लाइफ से पांच छह साल माइनस करवाने हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो वेरी ब्यूटीफुल सिटी हमारे सेटअप टूर की शुरुआत होती है अपने कमाल के माइक्रोफोन से और मैं जानती हूँ की पॉप फिल्टर थोड़ा गंदा है बट इसको इग्नोर करिए जल्दी ही नया वाला आने वाला है और जो इस माइक का नाम है मेरे पीसी स्पेस है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो जाके देख लीजिए वैसे ही माइक अंदर की तरफ से तो बिल्कुल क्लीन है क्योंकि इसमें एक इनबिल्ट पॉप फिल्टर है और पता नहीं क्यों मैंने एक और पॉप फिल्टर लगा रखे उसके ऊपर मैं भाग गाइस और ये तो कुछ भी नहीं है न्यूक्लियस जो मेरा माइक काम है ना वो इससे भी ज्यादा महान है मैनेजमेंट को तो देखिए गाइस कितना प्रोफेशनल है ओके सॉरी मैं वापस से टाइम पास करने लग गया अब हम लोग बिना देरी के अपने माई काम का स्पेशल फीचर देखते हैं वैसे ये कोई स्पेशल फीचर नहीं है मेरा माई काम टूट गया है और ये एक स्पेशल फीचर बन गया समाओ आपको कुछ नहीं करना आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो ये पूरा आम बाहर की तरफ निकल जाता है एंड ट्रस्ट मी गाइस ये टूटने के बाद और भी ज्यादा कमाल का हो गया क्योंकि पहले अगर मेरे को माउस निकालना पड़ता था तो तार बीच में आ जाती थी लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आती और इसी के साइड में है हमारे दो प्यारे से छोटी सी नन्ने सी मुन्नी सी टुन्ने से, से, से स्पीकर जिसके ऊपर है अपना मेन मॉनिटर टू के रेजोल्यूशन और साइड वाला मॉनिटर है 1080p, शायद से का है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग बाद में चेक कर लीजिए ऊपर की तरफ है अपने सिक्योरिटी गार्ड शेमस इवन तो मेरा फेवरेट रेम स्टीरियो है पता नहीं मैंने इसको क्यों खरीदा था बचपन में भूल रहा ना क्या इसमें पागल और शेमस ब्रो तेरे को मेरे सेटअप की देखभाल करनी थी लेकिन तुम मकड़ियों के साथ क्यों खेल रहा है देख बेटा मैं तेरे को पहली वार्निंग दे रहा हूँ अगर तो ज्यादा मस्ती करेगा ना मैं तेरे को काम से निकाल दूंगा ठीक है और न्यूक्लियस आप लोग प्लीज मेरे नेल्स को थोड़ा इग्नोर करिए जब मैं नानी के यहाँ से वापस आ रहा था तो सिक्योरिटी वालों ने मेरा नेल कटर ले लिया अब आप लोग ही बताओ यार एक नेल कटर जिससे ढक्कन से इसी खुलता उसको यूज करके मैं प्लेन हाईजैक कैसे कर सकता हूँ जो भी हो अब उसके बारे में सोच के हम लोग क्या ही कर सकते हैं लेट्स कंटिन्यू और सेटअप टूर ये बहुत ज्यादा यूजफुल डिवाइस है गाइस अगर आप लोग के पास यूएसबी हब नहीं है तो प्लीज ले लीजिए पहले अगर मेरे को कोई भी पेन

एप लगा हुआ है मेरे को अभी याद आया मैं ड्रॉइंग भी करता था पहले और शायद से मैंने अपने पुराने ड्रॉइंग्स नीचे की तरफ रखे थे जिनको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और वापस से स्टार्ट जो की मैंने नहीं करा न्यूक्लियस अगर मैं ड्रॉइंग कंटिन्यू करता ना तो मेरे चैनल पे होती है। ये शायद से मेरी नाइन्थ या टेंथ की ड्रॉइंग और इससे भी ज्यादा कमाल की ड्रॉइंग मेरी बचपन की हुआ करती थी विच आर लॉस्ट इसको इग्नोर करिए ये ऐसी फनी ड्रॉइंग बनाई थी शायद पता नहीं क्यों इतना बेकार बनाया था मैंने इसको असली ड्रॉइंग्स तो इसके नीचे है पहले आता है अपना स्कल ब्रेन यूएफ टेकिंग oh, आउट पता नहीं क्या है ये बट इट लुक स्कूल उसके बाद आते हैं हमारे चमगादर मैन और मेरे को ये सुपर हीरो इतना ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन ये काफी बैड एच लग रहा था तो बना दिया डेड पुल जिसके थर्ड मूवी के लिए मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ पोडर मैन और ये कौन है मैरी जेन तो नहीं लग रही यार जो भी हो uh, 2016 में बनाया था ये ये है पेन जो कि मेरे को याद दिलाता है कि मैंने अपना गिटार अब तक यूज नहीं करा साइड करो यार इसको एक और बैटमैन जो कि ये दिखाता है कि मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ अपनी सारी ड्रॉइंग्स कम्प्लीट करता हूँ क्या एक और बैटमैन सही में यार मेरे को बैटमैन पसंद नहीं है क्यों बनाया मैंने इतने सारे बैटमैन ओहू ये देखो सुपर लुक एट दिस गाय वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक मी इसके नीचे है ये शायद नाइट था जो की आर्चरी करता है

को लिखेंगे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो सब करेंगे लेकिन एक वर्कआउट के बाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी वर्कआउट नहीं करा ये देखो पूरी नोटबुक खाली है इसको अपनी जगह पे रख देते वरना मैं रोने लग जाऊंगा रिप्ड का फैशन तो आप लोग को पता ही होगा उस मैंने अपनी हेडफोन की पैंट फाड़ दी और इस हेडफोन का अलग ही स्वैग है ये महाराजा साहब अपने खुद के थ्रोन के ऊपर बैठते जो की आई किआ का है मैं कभी आई किया नहीं गया लेकिन इसके लिए मैंने मंगवाया राजा साहब आप अपनी कुर्सी पे बैठिए और ये है मेरा टैब जिसमे एक लैपटॉप का प्रोसेसर लगा हुआ है लेकिन तब भी इसमें

पट्स एड चोट पट्स एड चोट और उसी तरह अपने माउस पैड के ऊपर ये निशान आ गए आप लोग देख सकते हो और भी ज्यादा फ्रेश निशान पड़ चुकी है एक गेमिंग माउस क्योंकि अब आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एक प्रोफेशनल गेमर हूँ तो प्रोफेशनल माउस भी तो होना चाहिए ना पॉप के बच्चे ने इसके ऊपर भी हक दिया आज तो घर के बाहर सोने वाला है वो इसी तरह हमारा फर्स्ट फ्लोर खत्म होता है अब हम बढ़ते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ जहाँ पर है हमारा सिल्वर प्ले बटन जिसको मैं दीवार पे टंगाने के लिए कब से कोशिश करता हूँ जब भी मैं इलेक्ट्रिशियन को बोलता हूँ वो सामान लाना भूल जाता है उसी की साइड हमारा रूबिक्स क्यूब भी है और गाइस हाँ, मेरे को ये सॉल्व करना आता है स्कूल के टाइम पे मैंने अपने दो दोस्तों को इसकी कोचिंग दी थी तो विष्णु एंड शुभम अगर तुम लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तो नीचे थैंक यू करके लिखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा की आप लोग देख ही सकते हो की कि मेरे कितने मस्कुलर आर्म जब भी मैं फ्लिक मारता हूँ तो मैं डेस्क को डैमेज कर देता हूँ और अब फाइनली जिसका सभी को इंतजार था हमारा पीसी इसकी सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है की मैंने इसको खुद बिल्ड करा है और उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है की चल ये देखिए ऊपर वाले बटन और फोर के धूल चलो अब इसको खोल के दिखाता हूँ और इसको कैसे खोलते थे मैं भूल गया खुल गया और इसके अंदर है एट के धूल लगता है पीसी साफ करने के टाइम आ गया है इतनी ज्यादा धूल फोकस भी नहीं हो रहा ये जो सामने आपको बड़ी सी चीज दिख रही है ये है मेरा कूलर और उसके नीचे है अपना ग्राफिक कार्ड जो कि कोरोना के टाइम पे किडनी के प्राइस में बिक रहा था अब इसको बंद करने का टाइम आ गया है और पीसी स्टार्ट करने का टाइम भी आ गया है मेरे को आर का ज्यादा शौक नहीं है लेकिन अब ये क्या बोले इन है अगर मैं इनको निकाल दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे भी पीसी नीचे रहता है तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता गॉड जिला मैं आप लोग को अपने की का स्पेशल फीचर दिखाना भूल गया ये देखेगा इस मेरे की में एक स्पेशल फीचर है जो की आपको दिखाता है की एक बटन कैसे काम करता है ऐसा किसी भी की में नहीं है सिर्फ मेरे की में है और ये टूटा नहीं है मैं अपनी की की कसम खा रहा रू न्यूक्लियस ये था हमारा सेटअप स्लैश रूम टूर एज अ गेमर मेरा हमेशा सपना रहता था की मेरा खुद का एक सेटअप हो और सिर्फ और सिर्फ आप लोग की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई है तो थैंक्स अलॉट आप लोग मेरी वीडियो को ऐसी देखते रहिए शेयर करते रहिए और हम लोग अपनी न्यूक्लियर गैंग को और भी ज्यादा ग्रो करेंगे नेक्स्ट गोल तो यही होगा कि एक बड़ा सा मेटअप करे सब लोग मिले मस्ती करे गेमिंग करे पता नहीं उस चीज को होने में कितना टाइम लगेगा लेकिन आप सभी लोग ऐसे जुड़े रहिए इस कमाल की जर्नी में और मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए साइयों नारा